अस्सलाम वालेकुम गाइस, पेटीएम का अकाउंट पाकिस्तान में बनाया भी जा सकता है, इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और इसके अंदर पेमेंट भी रिसीव की जा सकती है। क्या ये पॉसिबल है, यही करके दिखाने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर हम आपको। लेकिन इससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा एक टॉपिक है उसको साथ अटैच करते हैं और उस पर बात करते हैं। मैंने इससे पहले पेपाल का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है और उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, उसके अंदर पेमेंट कैसे रिसीव की जा सकती है, ये प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को सिखाया था, अकाउंट बना के भी दिखाया था, उसको वेरीफाई भी करवाया था और उसके अंदर पेमेंट रिसीव करने का मेथड भी सिखाया था। साथ ही इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है कि पेपाल की पाकिस्तान के अंदर रियलिटी क्या है, आ क्यों नहीं रहा और इसके अंदर जो है जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं वो सेफ है नहीं है, पेपाल यहाँ पे यूज करना सेफ है नहीं है, तो उसको मैं वहां उस वीडियो में डिटेल से बताया था। लेकिन यहाँ इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा दोस्तों को बताता चलूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको ऑफिशियली पाकिस्तान ने अप्रूव नहीं किया, उसका हम किसी तरीके से अकाउंट क्रिएट करके बता भी देते हैं आपको कि ये अकाउंट ऐसे क्रिएट होता है और इसके अंदर आप पेमेंट ऐसे रिसीव कर सकते हैं और ये मैंने प्रूफ के साथ आप दोस्तों को दिखाया भी था। लेकिन मैंने साथ ये भी बताया था कि अगर आपकी कहीं पेमेंट फंसी हुई है, आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये वाली पेमेंट पेपाल के थ्रू ही पाकिस्तान आनी है तो मैं उसको लेके तो रिसीव कर लूं, तो आप इन द मीन वाइज जो है वो अकाउंट जनरेट करें और उस पेमेंट को जो है वो किस मेथड के साथ बताया था वो रिसीव करके अपने अकाउंट में ले हैं और ये प्रोसेस आप कोशिश करेंगे जल्दी से तय पा जाए। क्योंकि जब आप पेपाल का अकाउंट किसी और कंट्री से पाकिस्तान में जनरेट करते हैं तो वो पेपाल का अकाउंट आपका जनरेट भी हो जाता है और बहुत सारे दिन तक वैलिड भी रहता है, लेकिन वो स्टिल रिस्की होता है, वो किसी भी टाइम ब्लॉक हो सकता है, वो किसी भी टाइम बंद हो सकता है, वो किसी भी टाइम जो है वो चेक हो सकता है, ये भी मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। और ऐसा ही एक वाकया मेरे एक व्यूअर को पेश आया है कि उसने जो है उसके अंदर $170 जो है वो ट्रांसफर किए हैं और उसने मुझे मैसेज करके ये बताया है कि मेरा अकाउंट उस ट्रांसफर होने के बाद मेरे उस अकाउंट के अंदर वो पैसे मौजूद थे काफी टाइम से, आई डोंट नो वो किस चीज का वेट कर रहा था, तो वो पैसे जो है ना उसके अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया, तो आप उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने ये दूसरी वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया था कि आपने फिर इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना, अगर आपके अकाउंट के अंदर मौजूद है तो आप उसको या शॉपिंग के लिए यूज कर लें या फिर आप उसको अपने किसी दूसरे अकाउंट के अंदर पेओनियर अकाउंट के अंदर कर लें या फिर अपने टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक या फिर मैंने आपको जो जूम के थ्रू बैंक में ट्रांसफर करने का था वो भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो भाई रिस्की तो है, जो चीज ऑफिशियली पाकिस्तान में अप्रूव नहीं है तो वो रिस्की है आपके लिए, आप उसको कर तो रहे हैं, आप फायदा उठा लें लेकिन आप उसके ऊपर रिलय ना करें क्योंकि वो तो किसी टाइम ब्लॉक हो सकता है, जैसा कि वो दोस्त बता रहा है कि उसका ब्लॉक हुआ। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बना नहीं सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, उससे पेमेंट रिसीव कर सकते, आप कर सकते हैं पर लिमिटेड टाइम के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पेटीएम का अकाउंट पाकिस्तान में बनाया जा सकता है, इसके ऊपर इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने पेपाल के बाद भी फौरन एक वीडियो बना के आप दोस्तों को बता दिया था। पेटीएम के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सर्च करते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं, भाई पेटीएम जो है वो इंडियन प्लेटफॉर्म है, वो पाकिस्तान के अंदर आप उसका अकाउंट स्टार्ट करते हैं, वो आपको जी बहुत सारे लोग मेथड बता रहे हैं कि जी आप इसका जो है वो इसकी एप्लीकेशन अपने सेलफोन के अंदर जो है वो डाउनलोड करें, आप उसको ओपन करें और उसके ऊपर जो है वो लॉगिन और न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आप न्यू अकाउंट को क्लिक करें और इस तरह अकाउंट जनरेट करें। होता क्या है कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप उसके न्यू अकाउंट बनाने को स्टार्ट करते ही हैं, पहले स्टेप में वो आपसे जो है इंडियन कंट्री कोड जो है वो वहां पे आ जाता है, उसके साथ आपने नंबर देना होता है जो कि हमारे पास नहीं अवेलेबल होता। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने आपको बताया हुआ है कि जी फलां साइट से आप इंडियन कोई नंबर ले लें, आप ये कर लें, भाई ये कोई आप गेम तो नहीं ना खेल रहे, आप इसके अंदर पैसे लेके आना चाह रहे हैं, आप अपने पैसे कहीं से कमाए के लेके आना चाह रहे हैं या इसके थ्रू कहीं भेजना चाह रहे हैं, जब ये चीज आपके लिए अप्रूव ही नहीं है, आप गलत तरीके से बना लेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी पेमेंट रिस्क पे है। तो भाई पेटीएम का अकाउंट पाकिस्तान में अभी तक बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, आप भले कहीं से भी नंबर ले लें, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है, वो फौरन ही किसी भी टाइम ब्लॉक हो जाता है या फिर तो आपकी पेमेंट डुबोने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, किसी भी टाइम आप जो है नुकसान उठा सकते हैं, तो इसलिए इस चीज से निकलना है। पेटीएम का अकाउंट बनाने का मेथड मैं आपको क्या बताऊं,
गलत तरीका भी बता दूं, ये भी बता दूं किस तरह से पेमेंट लें, भाई नहीं ऐसा नहीं करते हम अपने चैनल के ऊपर। हम अपने व्यूवर से ऐसी चीज शेयर करते हैं जो उनको फायदा दे, उनको नुकसान ना दे। पेपाल एटलीस्ट नया जा सकता था, उसकी पेमेंट भी लाई जा सकती थी, तो आपकी कहीं पेमेंट फंसी है तो हमने आपको बता दिया क्या बना के ले हैं, लेकिन पेटीएम के लिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्त चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को सबसे पहले मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आगे बेल आइकन को भी हिट कर लें। इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।